गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय रिवीजन क्लास। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज रिवीजन विद सरस्वती माता मंत्र। ओम एही कली महा सरस्वती देवी नमः। ओम देव गुरु विद्याधिपते बृहस्पति नमः। स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू मोर ओवर रिवाइज यू हाउ यू कैलकुलेट एंड HCF एंड LCM फॉर टू नंबर्स एंड थ्री नंबर्स। तो लुक एट द स्क्रीन, इस पर बेस्ड आपकी स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 रिवाइज होने वाली है। तो बहुत कॉमन सा मेथड होता है, हम कभी भी हमें दो नंबर्स के लिए LCM HCF निकालना हो या तीन नंबर के लिए। आप सबको पता है HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। हम 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2, इसी तरह से हम 36 को फैक्टराइज कर सकते हैं। 36 को हम फैक्टराइज क्या कर सकते हैं? 2 × 2, 2 × 2 = 4। अगर आपको फैक्टर्स बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट्स आप इसको एलसीएम लेकर इसके फैक्टर्स बनाएं, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो हमारा सम गलत हो जाता है। 18 पर गया, फिर 2 9 पर गया, फिर 3 पर गया, और 3 पर कितना आ गया? 1। हमने इसके फैक्टर्स बना लिए 2 × 2 × 3 × 3। अगर हमें HCF निकालना है तो HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन है। अब देखो तुम्हें क्या कॉमन नजर आ रहा है, एक 2 नजर आ रहा है और कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, एक 2 और नजर आ रहा है। तो 2 × 2 यानी हमारा HCF क्या हो गया? 4। जब मैंने ये आपको एक्सरसाइज करवाई थी स्टूडेंट्स, आप वीडियो लेक्चर एक्सरसाइज का भी वॉच करेंगे साथ में, मैंने आपको उसमें एक फॉर्मूला करवाया है। हमने कभी भी अगर LCM फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे फर्स्ट नंबर के फैक्टर्स क्या थे? 2 × 2 × 2 और सेकेंड नंबर के फैक्टर्स क्या थे? 2 × 2 × 3 × 3 डिवाइडेड बाय HCF। HCF कितना निकला? 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, और 24 को हम फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 72। तो ये मेरा HCF निकल जाएगा, यानी कि हमारे पास जो LCM है वो हमारा 72 है और हमारा HCF कितना है? 4। और अगर हमें इसको वेरीफाई भी करना हो, जैसे कई सम्स में वेरीफाई करने के लिए भी बोलता है, तो वेरिफिकेशन में LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है? 72 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 36 से। ये दोनों आंसर्स हमारे क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो ये हमारी क्या हो जाती है? वेरिफिकेशन। नाउ वी प्रोसीड टू कि जब हमारे पास तीन नंबर्स हों तो हम क्या करेंगे। तीन नंबर्स के लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले वही काम करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं 12 के, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, फिर 15 के बनेंगे 3 × 5, फिर 21 के भी बनेंगे 7 × 3। हमें सबसे पहले सिर्फ इसके क्या बनाने हैं? फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर्स बनाकर अब हमारा आगे काम शुरू होगा। अब इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, इसका डिफरेंट मेथड हो जाएगा, लेकिन HCF निकालने का मेथड स्टूडेंट सेम रहेगा, जो कॉमन है। क्या कॉमन नजर आ रहा है? 3, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF आ गया 3। स्टूडेंट्स अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यू नेवर राइट 0, आप वहां सिर्फ 1 लिखेंगे, वहां 1 लिख सकते हैं, 0 कभी नहीं लिखते, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। अब हम इसको देखो, हम इसका LCM कैसे निकालेंगे, इसको पावर नोटेशन में चेंज करो, 2 raised to power 2 × 3 raised to power 1, 3 raised to power 1, 5 raised to power 1, 7 raised to power 1, 3 raised to power 1, पावर नोटेशन में चेंज कर लिया। जब हम LCM लेंगे तो यहां जितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं हम सारे लिख लेंगे, जैसे 2 यूज हो रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7। और यहां चेक करेंगे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है? 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है? 1। 5 की भी 1, 7 की। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, और 60 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 420। तो ये हमारा मेथड होता है तीन नंबर्स के लिए, और ये हमारा मेथड होता है टू नंबर्स के लिए। तो आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं हम। जब दो नंबर है तो LCM HCF कैसे निकलेगा, और जब तीन नंबर है तो LCM HCF कैसे निकलेगा। प्लस साथ में आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ, फैक्टर ट्री।
इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में वन मार्क्स के लिए बहुत बार हमारे से पूछ लिया जाता है फैक्टर थ्री, जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे मैं ये आपको करवाऊंगी, आप एज अ क्लास वर्क आप ये मुझे सॉल्व कर भेजेंगे। कम्प्लीट द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्रीज। तो किसी भी तरह का कोई फैक्टर ट्री हो सकता है, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। इधर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखो आपके पास कम्प्लीट नंबर कहाँ पर दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर लो। सेवन टू जा कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ 14 आ गया। 14 टू जा 28, तो यहाँ 28 आ गया। 28 को 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 56। तो ये हमने मिसिंग एंट्रीज इसकी क्या कर दी, कम्प्लीट कर दी। तो स्टूडेंट्स आज आप अच्छी तरीके से अपनी एक्सरसाइज 1.2 रिवाइज करेंगे, उसमें हम कंपोजिट नंबर की बात भी करते हैं। आपको पता है आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत अच्छी तरीके से लर्न करनी है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच फैक्टर्स अकर। तो ये कई बार आपसे पेपर में पूछी जाती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और हमारे पास कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, एग्जांपल नंबर 5, जैसे कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4n एंड्स विद अ जीरो। कभी भी कोई ऐसा सम अगर आपको चेक करना हो क्या वो जीरो पर एंड होता है या नहीं होता, तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कि ये 5 इसके जो फैक्टर्स हैं वो 5 से डिवाइड होने चाहिए। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमें इसको फैक्टर्स को, जैसे हमने 4n है, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया 2 × 2 raised to power n। अब यहां पर ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये 5 से डिवाइड हो, क्योंकि इसके फैक्टर्स में 5 नहीं आया। अगर इसके फैक्टर्स में 5 आता तो ये 5 से डिवाइड होता, तो इसलिए ये कभी भी जीरो पर एंड नहीं होगा। इसी तरह से आपके एनसीईआरटी का 6th क्वेश्चन था, प्लस साथ में स्टूडेंट्स आज आपने रिवीजन वर्क में मुझे कौन कौन से क्वेश्चन कर दिखाने हैं, आप ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चंस नोट करवा रही हूँ। सबसे पहले आप एक ये वाला क्वेश्चन नोट करेंगे, कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज कर दिखाएंगे। एक आप यहां से आप मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, इफ एचसीएफ इज 24, हमें इफ एचसीएफ ये वाला क्वेश्चन नोट करेंगे स्टूडेंट। 31st HCF 72 एंड 120 इज इक्वल टू 24, एलसीएम निकालना है। नेक्स्ट में एलसीएम गिवन है, हमें क्या निकालना है, HCF। तो यहां से ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आप करने वाले हैं, प्लस 33 भी। इफ HCF एंड LCF ऑफ टू नंबर्स आर 9 एंड 90 रिस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 18, फाइंड द अदर नंबर। ये तीनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके इस कॉन्सेप्ट से निकलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इन चार चीजों में से कोई तीन आपके पास मिसिंग दे रखी हैं और एक आपको निकालनी है, तो आप यही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगी रिविजन में, तो स्टे कनेक्टेड विद मी इन माई रिविजन क्लास। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।